वेलकम बैक टू माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? बहुत दिन बाद फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है क्योंकि आज सोमवारी भी था सावन का, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा। तो चलिए मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, आगे का ब्लॉग देखिए। तो आज की पूजा के लिए मैं पहनने वाली हूँ ये पिंक कलर की साड़ी, जो बहुत ही प्रिटी है, और यही पहन के मैं रेडी होने वाली हूँ। उसके साथ ही मैं पहन रही हूँ ये झुमका, के साथ ही मंगलसूत्र जो मैं रेगुलरली पहनती हूँ। बाकी का जो रेडी होना, जो श्रृंगार होना होता है करना, वो सब मैं कर ले रही हूँ। कुछ फैमिलियर इश्यूज की वजह से मैं बहुत सारे वीडियोस बना कर लेकिन अपलोड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से किया जाए। तो आज के दिन से अच्छा मौका कोई और हो नहीं सकता था। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। देखिए मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ, लेकिन हाँ अभी कुछ और चीज़ें करनी बाकी हैं, जैसे चूड़ी पहनना, नेल पेंट। देखिए मेरा मेकअप है, मैंने मेकअप बहुत ही मिनिमल रखा है क्योंकि घर की पूजा ही है, मुझे बस तैयार होना था। ये साड़ी मुझे बहुत प्रिटी लगती है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है पिंक और सिल्वर, वो मुझे बहुत पसंद आता है। मेरा हेयर स्टाइल भी मैंने नॉर्मल ही रखा है, कुछ ज़्यादा नहीं किया। अब मैं चूड़ी पहनने जा रही हूँ। देखिए मेरे पास इतने सारे बैंगल्स की कलेक्शन है, ये बस ग्लास वाले बैंगल्स है, और भी बहुत सारे बैंगल्स मेरे पास है, लेकिन ग्लास वाले बैंगल्स फूट जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अच्छे से सेव करके अपने अलमारी में रखा था। तो मैं आज पहनने वाली हूँ ये ग्रीन कलर की बैंगल्स, क्योंकि सावन में सब ग्रीन बैंगल्स पहनते हैं, इसलिए। इसमें दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, बहुत ही प्रिटी बैंगल्स हैं, इन्हें मैं पहनूंगी आज की पूजा के लिए। और हाँ दोस्तों, बैंगल्स पहनने से पहले अगर आप अपने हाथ में थोड़ा सा बॉडी लोशन अप्लाई कर लेते हैं, तो इससे बैंगल्स बहुत ही आसानी से आपके हाथों में चला जाता है, बिना कोई बैंगल्स के टूटे। देखिए मैंने बॉडी लोशन बहुत मशक्क़त के बाद निकाल लिया है, और इसे मैं अपने हाथों में अप्लाई कर ले रही हूँ, बस कलाई पर। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, अगर आपकी बैंगल्स थोड़ी आपके साइज से छोटी भी है तब भी वो आराम से चली जाएगी आपके हाथों में, अगर आप बॉडी लोशन लगाकर उसे पहनते हैं। ये देखिए मेरा टैटू जो मैंने रिसेंट में ही करवाया है, एस के, एस फॉर मेरे हस्बैंड का नाम और के फॉर मेरा नाम है। देखिए बैंगल्स में पहने, फटाफट से सारे बैंगल्स घुस जाएंगे हाथ में। जिनको पता नहीं मेरे हस्बैंड का नाम, उन्हें मैं बता दूं, मेरा हस्बैंड का नाम एस फॉर शांतनु है, शांतनु गुप्ता। देखिए फाइनली मैंने बैंगल्स सारे पहन चुके हैं, मैं नेल पेंट करने जा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि पहले से ही 10 बज चुके हैं। काम करते करते समय का पता ही नहीं चलता ना, सुबह के 5 बजे की उठी हूँ मैं और 10 कब बज गए पता ही नहीं चला। तो हाथों में मैंने अपने नेल पेंट लगा लिया है, अब बारी है अपने पैरों की, पैरों पे भी फटाफट से लगा लूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट काम मुझे लगता है, पैर को रंगना। कोई और हो ना उसे करवा लो तो आसान लगता है, लेकिन खुद से रंगना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, क्योंकि पैर तक मेरे हाथ जल्दी पहुंचते ही नहीं है, उसे ऐसे फोल्ड करके लगाओ। कोई नहीं, पूजा है तो करना तो पड़ेगा ही, 16 श्रृंगार।
किसी और का भी मैं लगा देती हूँ बड़े आसानी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बस अपने ही लगाने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए फाइनली जैसे जैसे मैंने अपने पैर को भी रंग लिया है, देखिए कितना प्रिटी लग रहा है मेरा साड़ी भी। ये मैं बन गई हूँ दुल्हनिया। तो अब मैं फाइनली पूरी तरीके से रेडी हूँ पूजा करने के लिए। अब बाकी जितने भी मैंने कचड़े फैला रखे हैं, कचड़े नहीं मतलब सामान सारे इधर उधर फैला रखे हैं, उसे मैं वापस अपने प्लेस पे रख दूँ। जैसे नेल पेंट, कलर, चूड़ियाँ, सबको अपने अपने जगह पे रख दूँ। बैंगल्स के रखने के जो आप जगह देखेंगे ना तो सोचेंगे कि यहाँ कपड़े रखते हैं या बैंगल्स। देखिए मैं बैंगल्स उतने के डर से उसे वहीं पर रखती हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आशु? बोलो। पूजा करने। कहाँ जा रहे हैं? पूजा करें। पूजा करेंगे। पूजा करेंगे। शादी करेंगे। पूजा करने का पूरा वीडियो मैं ब्लॉग में नहीं अपलोड कर पाई हूँ क्योंकि मुझे पूजा करना था और वीडियो पे ध्यान रहता तो पूजा फिर अच्छे से नहीं कर पाती, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया है ब्लॉग में। अब मैं यहाँ शंख बजाने के प्रयास कर रही हूँ। पहले दो बार तो मुझसे नहीं बजता बट आखिरी बार बज ही जाता है शंख मेरे से में, और अंदर इसी में घंटी बजा रहा था। ये मेरे घर का मंदिर है जहाँ हम सब पूजा करते हैं। तो अब हमारा पूजा खत्म हो चुका है, अब हम कुछ खाएंगे। क्या करेंगे बेटा? चुम्मी दो हमको। हमको हमको चुम्मी दो, ऐसे नहीं खाएंगे। तो फाइनली पूजा खत्म करने के बाद अब मैं और अथर्व बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। सावन मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है इसलिए मैंने इस सोमवार को व्रत नहीं लिखा, अगले सोमवार से मैं व्रत रहूँगी। तो आज के नाश्ते में मैंने बनाया था आटे का चीला और चाय और अचार। नमक वाला भी चीला बनाया था मैंने और मीठा चीला भी बनाया था अथर के लिए, उसे मीठा चीला बहुत पसंद है। देखिए कितने प्यार से खा रहा है। सुबह के 11 बज रहे हैं और अब जाके मैं और अथर नाश्ता कर रहे हैं। भूख तो बड़ी ज़ोर की लगी थी, मुझसे ज़्यादा अथर को, बेचारा सुबह से भूखा था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय और अपना ख्याल रखिएगा।